मुंबई में 4 सितंबर 1952 ईस्वी को मशहूर अदाकार, फिल्मसाज और हिदायतकार राज कपूर के घर उनकी तीसरी औलाद के तौर पर ऋषि कपूर की पैदाइश हुई। कपूर खानदान का फिल्मी दुनिया से ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री की इब्तिदा से ही है। ऋषि कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर पहले ही फिल्मों और स्टेज पर अदाकारी कर रहे थे और ऋषि कपूर के वालिद बॉलीवुड में अदाकारी, फिल्म साजी और हिदायतकारी वगैरह जैसे मुख्तलिफ शोबों में अपनी हुनरमंदी की वजह से शोमैन का लकब हासिल कर चुके थे। ऋषि कपूर के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर भी मशहूर अदाकार रहे हैं। ऋषि कपूर के 3 मामू प्रेमनाथ, राजेंद्रनाथ और नरेंद्रनाथ भी अदाकारी किया करते थे। ऋषि कपूर की वालदा कृष्णा अदाकार प्रेमनाथ की बहन थी। बचपन में ऋषि कपूर अक्सर फिल्मों के सेट पर जाया करते थे। ऋषि कपूर ने अपने बचपन में ही 1955 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 के एक गीत प्यार हुआ इकरार हुआ है में पहली बार कैमरे का सामना किया। इसके अलावा कुछ स्टेज ड्रामों में भी ऋषि कपूर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। फिल्म श्री 420 में शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर को मनाने के लिए नरगिस ने ऋषि कपूर को बहुत सारी चॉकलेट देकर राजी किया था, जब ऋषि कपूर की उम्र महज 2 बरस थी। ऋषि कपूर को घर में सब प्यार से चिंटू के नाम से पुकारते थे। उनकी इब्तदाई तालीम मुंबई में ही उनके भाइयों के साथ कैंपिंग स्कूल में हुई। इसके अलावा उनकी आला तालीम राजस्थान में अजमेर के मायो कॉलेज में मुकम्मल हुई, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। फिल्मी खानदान में आंखें खोलने वाले ऋषि कपूर की दिलचस्पी शुरू से ही अदाकारी में थी। 1970 ईस्वी में रिलीज हुई राज कपूर की मशहूर जमाना फिल्म मेरा नाम जोकर में पहली बार ऋषि कपूर को फिल्मों में काम करने का बड़ा मौका मिला। 1968 ईस्वी में जब फिल्म मेरा नाम जोकर की मंजरकशी शुरू की गई थी, तब उनकी उम्र महज 16 बरस थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक नौजवान तालिबे इल्म के तौर पर राज कपूर के बचपन का रोल अदा किया था, जो कम उम्र में ही अपनी टीचर से मोहब्बत करने लगता है। इस किरदार के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का कौमी एजाज भी मिला था। हालांकि ये फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कामयाब ना हो सकी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस फिल्म को आवाम में बहुत पसंद किया गया। इसके बाद लगातार कई फिल्मों में ऋषि कपूर ने एक रोमांटिक हीरो के तौर पर काम किया, जिनमें बॉबी, लैला मजनू, हम किसी से कम नहीं, सरगम और प्रेम रोग वगैरह के नाम काबिले जिक्र हैं। 1973 ईस्वी में राज कपूर ने ऋषि कपूर को मरकजी किरदार में लेकर फिल्म बॉबी फिल्मी पर्दे पर पेश की। ये रोमांटिक फिल्म अपने ज़माने में बेहद मकबूल रही। इस फिल्म में ऋषि कपूर के मुकाबले अदाकारा डिंपल कपाड़िया ने काम किया था और ये फिल्म डिंपल कपाड़िया की भी पहली ही फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए डिंपल कपाड़िया ने महज 16 बरस की उम्र में पहली बार कैमरे का सामना किया था। फिल्म मेरा नाम जोकर की बॉक्स ऑफिस पर नाकामी के बाद राज कपूर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से वो फिल्म बॉबी में किसी मशहूर अदाकार को कास्ट नहीं कर पाए थे। फिल्म बॉबी रिलीज हुई तो हिंदुस्तान में ये फिल्म 70 की दहाई की सबसे कामयाब और माली लिहाज से सबसे ज़्यादा मुनाफा करने वाली फिल्म साबित हुई। ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में इस बात का इतराफ़ किया था कि आवाम में ये ख्याल गलत है कि फिल्म बॉबी राज कपूर साहब ने मुझे बॉलीवुड में मुतारफ़ कराने के लिए बनाई थी। दरअसल ये फिल्म मेरा नाम जोकर की नाकामी के बाद हुए नुकसान की भरपाई और कर्जों की अदाई के लिए बनाई गई थी। राज कपूर साहब एक कम सिन नौ उम्रों की मोहब्बत पर फिल्म बनाना चाहते थे और उनके पास राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल्म बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने कुछ हल्की फुल्की मजाहिया फिल्मों में काम किया, जैसे नीतू सिंह के साथ 1975 ईस्वी में नुमाइश की गई फिल्म रफू चक्कर और खेल खेल में, अमिताभ बच्चन के साथ 1977 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म अमर अकबर एंथनी और जीना तमान के साथ 1977 ईस्वी में बनी हिदायतकार और फिल्मसाज नासिर हुसैन की फिल्म हम किसी से कम नहीं। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी में सबसे पहले फिल्म जहरीला इंसान 1974 ईस्वी में फिल्मी पर्दे पर पेश की गई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, मगर इसके बाद इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे 1976 ईस्वी में यश चोपड़ा की हिदायतकारी से सजी फिल्म कभी कभी।
या 1977 ईस्वी में रमेश तलवार की हिदायत में बनी फिल्म दूसरा आदमी वगैरह। 1980 ईस्वी में ऋषि कपूर ने टीना मुनीम के साथ हिदायतकार सुभाष घई की एक रोमांटिक फिल्म कर्ज में काम किया। ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाई, मगर इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। इस फिल्म का मंजरनामा सचिन भौमिक ने तहरीर किया था और मुकालमे डॉक्टर राही मासूम रजा के थे। फिल्म कर्ज के दीगर अहम सितारों में प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा खोटे, जलाल आगा, इफ्तिखार, वीजू खोटे वगैरह के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। बेवाओं की दूसरी शादी के मौजू पर बनाई गई 1982 ईस्वी की फिल्म प्रेम रोग ऋषि कपूर के फिल्मी करियर की एक बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में विधुर के किरदार में ऋषि कपूर की अदाकारी को उनकी सबसे बेहतरीन अदाकारी माना जाता है। फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर के साथी अदाकारों में पद्मनी कोल्हापुरी, शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, सुषमा सेठ, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद वगैरह के नाम शामिल हैं। फिल्म साज और हिदायतकार शोमैन राज कपूर की इस फिल्म के सभी नगमे आवाम में बहुत मकबूल हुए थे, जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी से सजाया गया था। फिल्म प्रेम रोग के लिए ऋषि कपूर को फिल्म फेयर के बेहतरीन अदाकार के एजाज के लिए भी नामजद किया गया था। फिल्म बॉबी की नुमाइश के तकरीबन 12 साल बाद एक बार फिर ऋषि कपूर को अदाकारा डिंपल कबाड़िया के साथ 1985 ईस्वी में फिल्म सागर में अदाकारी करने का मौका मिला। रमेश तिपी की हिदायत में बनने वाली ये फिल्म ऋषि कपूर के फिल्मी करियर की एक बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के दीगर सितारों में कमल हासन, नादरा, सईद जाफरी, मधुर जाफरी, एके हंगल और शरद सक्सेना वगैरह ने काम किया था। इस फिल्म ने मुख्तलिफ जुमरों में कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए थे। राजेंद्र सिंह बेदी के मशहूर उर्दू नॉवेल एक चादर मैली सी पर इसी नाम से बनाई गई फिल्म में ऋषि कपूर ने हेमा ममालिनी के साथ एक यादगार किरदार अदा किया था, जिसमें ऋषि कपूर को अपनी बेवा भाभी से शादी करने के लिए जबरदस्ती राजी किया जाता है। 1986 ईस्वी में रिलीज की गई इस फिल्म के दीगर सितारों में पूनम ढिल्लो, कुलभूषण खरबंदा, दीना पाठक, ए के हंगल वगैरह ने अदाकारी की थी। इस फिल्म के हिदायतकार सुखवंत डड्डा थे और मौसीकी अन्नू मलिक की थी। हालांकि खुद राजेंद्र सिंह बेदी 1960 ईस्वी में धर्मेंद्र और गीता बाली को लेकर अपने नॉवेल एक चादर मैली सी पर फिल्म बनाना चाहते थे, मगर गीता बाली के अचानक इंतकाल के बाद राजेंद्र सिंह बेदी का ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था।